Hello guys, I am Anlad Valadoz from People Cast Art, and today I am gonna to make a beautiful painting of Bhagwan Krishna. So आगे बढ़ते हैं. So आप जान पा रहे हैं मुझे उतनी अच्छे से इंग्लिश आती नहीं है, और पहली बार मैं ये सब कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम तो थोड़ी होगी ही ना गाइज. सो आप देख पा रहे हैं मैं डोम्स के 30 आलस को के किट को यूज करके बना रहा हूँ. सो आप देखिए, मैंने सबसे पहले लिड कलर, उसके बाद ऑरेंज कलर का शेडिंग लिया जिससे एक लाइट और डार्क वाला इफेक्ट आएगा, ना ज़्यादा लाइट रहेगा ना ज़्यादा डार्क रहेगा. सो आप देखिए, आपको बस ऐसे ही करना है, और उसके बाद आपको येलो कलर लेना है और उससे ऊपर बनाना है, तो 3 कलर का मिक्सचर हो जाएगा ब्लैक बैकग्राउंड में, और उससे अच्छा वाला इफेक्ट भी आएगा. अगर आपको स्केच का भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो भी बता दूंगा. सो आप देख रहे हैं हम ब्राउन कलर और क्रीम कलर को मिक्स करके कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बना है. इस कॉम्बिनेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मटकूली कलर. सो आप देख पा रहे हैं मटका वाला कलर से हमारे फेस पर कितना ज़्यादा अच्छा ग्लो आ रहा है. इस ड्राइंग में देख पा रहे हो आप, ये कितना अच्छा लग रहा है, चमकदार और भलकदार. सो आपको बस इसी प्रकार से करते जाना, ये बहुत ही सिंपल मेथड है. सो आप सबसे पहले फेस में कर लीजिए, और उसके बाद हम पानी लेके इसके ऊपर से मिला देंगे, जिसके कारण जहाँ पर ज़्यादा पड़ा है और जहाँ पर कम, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे. सो आप देखिए, वो मेरा अंगूठा नीचे में आ रहा होगा क्योंकि मेरे पास सेलो टेप नहीं है जिससे मैं इसको स्टिक कर पाऊँ. सो गाइज, आप लोग देख पा रहे हैं वो सेलो टेप नहीं है, तो मैं अंगूठा ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग भी सीख पाए अच्छा से. मैं संक में वाइट कलर डालूँगा और ऊपर से पिंक कलर, जिससे एक अच्छा वाला ग्लो आएगा संक में, शेडिंग भी लाइट और लाइटर की हो जाएगी. देखिए मैं कैसे डाल रहा हूँ, इसमें थिली स्टेट जो होते हैं संक में वो भी बनाना है. उसके बाद सिंपल लाइन ऐसे करके खींच देना है आपको. आप देख पा रहे हैं कि कितना सिंपल है और कितना इजी है, आप कैसे बना सकते हैं, तो मुझे को भरोसा ही नहीं हो रहा ये इतना इजी भी हो सकता. तो अगर आपको देखना है ऐसे ही वीडियो कई सारे, तो बस कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को. तो आप बस देखते रहिए पीपल कास्ट आर्ट, ऐसे ही सिंपल और सिंपल से सिंपल भी ड्राइंग को देखने के लिए और सीखने के लिए. अगर आपको विस्तार में सीखना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं. इंस्टाग्राम का 2 लिंक मैं बायो में दे दूंगा, यानी कि डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आप वहां से जाके दोनों लिंक में से कोई पल भी मैसेज कर लिएगा, मैं देख लूँगा. और आप देख पा रहे हैं मैं पर्पल कलर यानी पिंक और ब्लू कलर के मिक्सचर को, पर्पल कलर को मैं यूज कर रहा हूँ किलिट जी के पीछे में और लाढ़ा जी के चूनी में. तो देख पा रहे मैं डार्कल ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ उनके माथा के ताज पर, क्योंकि यू नो अलग अलग कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे कलर भरना बहुत पसंद है. अब हम लोग ब्लू कलर से किलिट जी और लाढ़ा जी का ब्लाउज बना देंगे, लाढ़ा जी का ब्लाउज और किलिट जी का कपड़ा कमीज यानी कि. अब हम लोग रेड येलो इन ब्लैक कलर को यूज करके हेयर बनाए हैं. इसमें तो आपको ब्लैक नजर आ रहा होगा, लेकिन रियल लाइफ में ये बहुत ही अच्छा लगता है, और इस पर ब्लैक की शेडिंग तो एकदम जचती है जैसे हीरा और सोना की जचती है. सो आप देख पा रहे मैं कितनी अच्छी तरीके से, कितने सिंपल तरीके से बना पा रहा हूँ. ये इतना सिंपल है कि एक बच्चा भी बना सकता है, इसमें ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगते हैं, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगते और ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता. सो आप देख पा रहे हैं ये कितना सिंपल है. ये मेरा बहुत फर्स्ट टाइम सेकेंड, हाँ शायद मैं सेकेंड टाइम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है. फर्स्ट टाइम में तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो बीच बीच में ट्यूनिंग डाल देता था. सो आप देखिए, मैंने हीट पर बना दिया है नोज क्लिप जी का. ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है, इसी से आपके पेंटिंग में ग्लो आता है. अब देखिए आउटलाइन बना रहा हूँ. इस पेंटिंग में मैंने शेडो का यूज नहीं किया, क्योंकि शेडो मुझे इस पेंटिंग के लिए ठीक नहीं लगा. अगर आपको शेडो वाला पेंटिंग आइए तो बस कमेंट करिए, मैं तुरंत बना के डाल दूँगा.
तो हम लोग ने आइज बनाया। आइज एकदम हल्का तरीके से बनाना, देख पा रहे कितना सिंपल है। अब देखिए हम लोग इनके लिए चेन या हार आप जो बोलना चाहिए वो बोल सकते हैं, हम लोग वही बनाने वाले हैं। देख रहे हैं आप कितना सिंपल है ये, आप इतना सिंपल। वो सॉली वो पीछे से बैकग्राउंड में एक तलक जा रहा था तो उसकी आवाज़ आ रही हो आ गई होगी। सो गाइज प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाएं जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन आ जाए। अगर नहीं आए तो क्या फ़ायदा, यू नो रंग भरना मेरा काम है तो मैं रंग भर लाऊँगा अभी कृष्ण और लारा जी में। आपको लग रहा होगा कि मैंने बात कहाँ से कहाँ लेगी, तो सो सॉरी। सो गाइज अब हम लोग गोल्डन कलर ले लें, वो वाला गोल्डन कलर नहीं, वो जो डोम्स के 30 वाले किट में 2 टाइप के गोल्डन कलर होते हैं। ये तो हम लोग हार बनाने में यूज किए चन्ना कोली के पाउडर, और एक को हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर इनके ताज बनाने में। ग्लीन पल गेल गोल्डन दोनों मिल जाएंगे तो सूट करेंगे। हाँ कुछ लोग तो डिप्लेंट भी पसंद होता है तो आप उल्टा कर सकते हैं, जैसे मैंने चोली पल दिया है सिल्वर तो आप ताज पर सिल्वर दे दीजिए और गोल्डन दे दीजिए चोली पर, इससे दोनों वो दोनों अपोजिट हो जाएंगे। अपोजिट भी बहुत अच्छा लगता है लेकिन मुझे जो अभी अच्छा लगा है वो नहीं। यह आप कमेंट करिए आपको किसी भी प्रकार का ड्रॉइंग चाहिए, आपको 7 डेज के अंदर वो ड्रॉइंग मिल जाएगा फिलहाल अभी के लिए। किन किन बच्चों की अभी एग्जाम कर रही है वो कमेंट करें, मेरी तो चल रही है इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो डाल नहीं पाता हूँ। एग्जाम वाले बच्चों के लिए एक लाइक मेरी तरफ से। आप सोच रहे हो लाइक कहाँ किया, लाइक मैंने अपने दिल में किया जहाँ से कोई नहीं मिटा सकता। ओके सो गाइज देखिए कितना सिंपल है। अब मैं मूल पंख बनाऊंगा, वही पर्पल कलर ऊपर से ऑरेंज कलर, आप ब्लू कलर भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला। आप बोलोगे क्यों, सो मेरा मन, आप बोलोगे ये तो बड़ा बट्टीमीज है, सो मैं बोलूँगा ठीक है आप मुझे लाए दीजिए मैं वो एक्सेप्ट कर लूँगा। ओके गाइज बहुत बड़बड़ हो गई, बाय। अभी सोच लें कितना बोलता है, बाय गाइज सब्सक्राइब करिए, बाय।